स्वागत करुच्छे आप समस्त ओडिया रोसई में आज आम बनवा बिना पिज रसुण में दही आलु जोटा कि खाया बहुत ही टेस्टी होता है आ बहुत कम समय आगुरी मैं ये मोर बहुत गुड़े आलुर रेसीपी पोस्ट होती जहाँ लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन ना वीडियो एंड में मिलजिव तेज चलो देखने आज रेसीपी नुआ नुआ ओडिया रोसेई वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसेई YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। दही आलू बने पे मु एटी नै जे 250 ग्राम आलू को बिल्कुल छोटो साइज रो आलू को नै छी आ आकु मु 80% आकु मु सिजे कि नै छी एटी गैस को ऑन करके गोटे कढ़ाई बसी नै छी कल रे दे दी छी 3 बड़ चम्मच रिफाइन तेल को एबे एथरे आमे आलू को दे देबा आ आलू को भले से भाजी नबा गोल्डन ब्राउन हबा पजंत देखो आलू दूर सब मसला पसापी आलू को कट करें गैस रांच को मीडियम रखीचे आलू को गोल्डन ब्राउन हवा पर्यटन टे भल से भाजी नवा आप चाहिए आलू को फ्राए करके जब बेबी पटाटो ना आप बड़ सैज आलू को नौकर मजबूत कट करके छोट छोट पीस टा काटिकी दही आलू को प्रस्तुत करें। लेटेस्ट पिक्चर न्यू रेसिपी रेसिपी टिप्स आउ आप रेसिपी रिलेटेड जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन पे आम इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करूँ आउ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। आलू को भाजा एवं आम 3-4 मिनट हो सारी मीडियम आंच में आलूर कलर मतलब भल से चेंज हो जा गोल्डन ब्राउन हो जाए आलू अधिक ये बेस भाजबे कारण आगुरी आलू को आम सीझे नहीं तो ये गाड़ी गोटे प्लेट रखने ना तो ये कहरा 2 चमच तेल बची जाए देखा 1 चमच कंचा जीरा को आगुरी छेचिक रखि गोटे इंच अदा 2टा कंचा लंका को देद अदा और कंचा लंका को आम भल से कषि नवा जहाद्वारा कि कंचा स्मेल जमी चली जा अदा और कंचा लंका टी भल से भाजी जाइए तो ये आम टमाटर प्यूरी एड करवा ये मुझे 2टा मीडियम सैज टमाटर को नहीं थी जोटा कि तार मु प्यूरी बन गैस रांच को मीडियम रखा आ हाफ चमच एमद लुण को बाकी मसला को एड करें हाफ चमच जीरा गुंड आफ चमच धनिया गुंड को आड करें लंका गुंड को आड करनी कारण मो अदार कंचा लंका को पकई तार ग्राइंड करी आपड़े अधिक लंका पसंद करती आप समय लंका गुंड को आड करती टमाटर के मीडियम आंच में 4-5 मिनट भल से भाजी नवा जहाद्वारा कि टमाटर जो कंचा स्मेल भी अच्छे जमी चली देखो ये मसला गुड़ा कसी है कि बिल्कुल ड्राई तो ये आम 4 बड़ चमच दही को तो 4 चमच दही मुझे गोटे बड़ चमच चीनी को आ चीनी को दही सागर भल से मेल्ट कर ना मिसई ना आ गैस रांच के बिल्कुल स्लो रखी आ मसला को आम टे थाइंग छाड़ ना तापर ही आम अल्प अल्प करके दही को आड करवा एम अल्प अल्प कर दही को आड करवा आ मसला को दही सागर भल से गोल ना आप चाहिए एकाधर के गैस को अफ करके मसला को थंडा कर सारे ही आपड़े दही को आड करते देखते ये मुझे सब दही को आड करने आ गैस रांच को बिल्कुल स्लो रखी 2-3 मिनट मसला सागर दही को भल से कषि ने आपड़े देखिपे एमती करवा द्वारा दही टी आम जमा भी फाटे एवं आम मीडियम आंच में दही को 2-3 मिनट भल से फुटे ना तापर एम आलू को आड करवा तो देखो दही टे आम फुटा 2-3 मिनट हो सारी आगुरी आम जो आलू को सीझे भाजिक रखी थे आम देद आ दही सागर आलू को आम भल से मिसई ना तो देखते आम दही गुड़क आलू सागर बहुत भल से मिसी जा गैस रांच के बिल्कुल कम रखा आनि 4 मिनिट आम कभर करके छाड़ ना जहाद्वर कि सब मसला गुड़िक जमी आलू भितर बहुत भल से जापर तो 3-4 मिनिट हो सारे आम कभर को खोलिक चेक करवा तो देखते ये आम कभर करके छाड़ा स्लो आंच में 3-4 मिनट हो सारी और ये आम मसलार तेल बिल्कुल अलग हो जाए बहुत बड़ा कलर देखा एटा को आम गोटे थर टे भल से गोल ना आल्प टे पा को आम एड करवा
तो एबे एडा को मु गोळे नली एबे एतरा में हाफ ग्लास पानी को ऐड करबा पानी को हमें एबे गोटे मिनट पई छाड़ देबा स्लो आंच रे टिके फुटिया पई पानी भी हमरो फुटी सरिया परे एतरा में चार मगज रो पेस्ट को ऐड करबा तो एठी हमर पानी फुटी सल्लानी एबे एतरा में चार मगज रो बट्टा को दे देबा तो ये मुझे तीन बड़ चमच चारमगज को 10-15 मिनट हम पानी में भिजे के रखी देती मुझे अल्प टिके पा को देखी आ गए फाइन पेस्ट बनई नहीं आगे मुझे भी सब इनग्रीडियंट्स यूज कर क्वांटिटी मुझे के वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाए ग्रेवी बेस रखा नहीं तेणुक अल्प पा को आड कर ग्रेवी अधिक दरकार परिमाण पा को आड करें कभर कर छाड़ ना 2-3 मिनिट तो देखो दही आलू बिलकुल रेडी शेष अल्प टिके गोटे चमच कस्तूरी मेथी को क्रश कर पकई ना तो कस्तूरी मेथी को अल्प टिके भाजी नहीं थी क्रश कर गुंड कर देखो ये रेडी दही आलू से बिना प्याज रसुण में आपण भी घर यह प्रोसेस दही आलू को प्रस्तुत करूँ आमती लगे आपणकर एक्सपीरियंस मो कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करूँ। थैंक यू। आज रेसीपी जी आपंक पसंद आज वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक देखुन आम पेज को लाइक कर दिखाँ आउट्यूब देखते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ तेज देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंतु। नमस्कार।